हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, बांग्लादेश का हाथ फैलाना शुरू हुआ। अरे वाह, इनके भी हाथ में कटोरा आ गया लगता है। बांग्लादेश नॉट एबल टू पे फॉर इंडियन पावर सप्लाई। ओ, मतलब उनको बिजली, मेरे ख्याल से बिजली जो है उसका पैसा वो अब नहीं दे पा रहे जो भारत उनको बिजली सप्लाई करता है। अब देखते हैं, अब आएगा मज़ा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा था ना, दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है, वही शुरुआत हो गई है। तो अब वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा की गई गलतियों के कारण वह खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल अभी तक भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर पर रखा हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश की बड़ी बड़ी मुसीबतें भी भारत संभाल रहा था। लेकिन जब से बांग्लादेश से शेख हसीना भारत में आई हैं, तब से वहां की नई सरकार भारत को कई बार धमकी भी दे चुकी है और उनकी तरफ से झूठे झूठे इल्जाम भारत पर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह भूल चुकी थी कि वह पानी और तेल से लेकर बिजली तक के लिए भारत पर ही निर्भर है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने बांग्लादेश की नई सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दिया है। दरअसल हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश के हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं कि भारत से बांग्लादेश में जो बिजली की सप्लाई की जाती है वह उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बल्कि अदानी पावर के द्वारा बांग्लादेश में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर 800 मिलियन डॉलर का बकाया हो चुका है। यानी कि अभी तक भारत के द्वारा बांग्लादेश की बिजली सप्लाई कम करने की बात ही हो रही थी, लेकिन फाइनली वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की बिजली गुल होने जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए उनके सामने हाथ फैला रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह भी भूल चुकी है कि जिस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, इन हालातों में वर्ल्ड बैंक भी इनको लात मारकर भगा सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बांग्लादेश का भारत से तेवर दिखाना और भारत पर झूठे आरोप लगाना उन पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो जिस समय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है उस समय वह भारत पर झूठे इल्जाम ठोक रहा है और भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करके चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका अंदाजा आप हाल ही में आ रही इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके यहाँ आकर चीनी कंपनियां सोलर इंडस्ट्री सेटअप करें। यानी कि जिस बांग्लादेश की अभी तक भारत मदद करता आया है वही बांग्लादेश कंगाली की हालत में भी भारत से हाथ छुड़ाकर चीन को अपना अब्बा समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और चीन भी इस मौके का फायदा न गंवाते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में कूदने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यह बात हम सब जानते हैं कि हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी एरिया को पानी के बहाव में डुबा दिया है और 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लेकिन आखिरकार इसका भी आरोप बांग्लादेश की नई सरकार ने सीधा भारत पर ठोक दिया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को अपनी कोशिश में लेने के लिए जो 30 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड हुए हैं उनको खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई देने की शुरुआत कर रहा है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि इसी बीच बांग्लादेश की नई सरकार को चीन के द्वारा $20,000 का चेक हाथों में सौंप दिया गया है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल करके जो बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हैं उनको संभाल सके। और साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार भारत को अपनी अकड़ और दिखाए।
लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार शायद यह बात भी भूल चुकी है कि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ा कर उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, उसी तरह चीन बांग्लादेश के हाथों में भी कटोरा थमाने की कोशिश कर रहा है। और इसका उल्टा, ऐसे समय बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाए जिस समय उनको भारत की काफी ज्यादा मदद चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों और नई सरकार द्वारा उठाए गए उल्टे सीधे कदमों ने बांग्लादेश की स्थितियों को इस रास्ते पर ला दिया है कि वहां पर कुछ इलाके में फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में खाने के लाले पड़ चुके हैं। फिलहाल हम सबसे पहले नजर डालते हैं बांग्लादेश में भारत से भेजी जाने वाली बिजली की, जिसकी पेमेंट बांग्लादेश नहीं कर पा रहा है। और भारत की बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने वाली अदानी पावर पर लगभग 800 मिलियन बकाया हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बांग्लादेश को पड़ोसी देश समझकर उनको बिजली की सप्लाई करते आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार भारत को जहरीली आंखें दिखा रही है, उससे वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की बिजली भारत के द्वारा कटने के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश न सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के साथ साथ मशीनरी कंपोनेंट के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, बल्कि बांग्लादेश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए उनको भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अदानी पावर के साथ मिलकर झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाए हुए हैं, और इस पावर प्लांट में कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसकी 100% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। यानी कि इस पावर प्लांट की 1% भी बिजली भारत में खुद की जरूरत के लिए उपयोग नहीं की जाती, और सारी की सारी बिजली बांग्लादेश में ही सप्लाई की जाती है। वैसे तो यह पिछले कुछ सालों से ठीक चल रहा था, और बांग्लादेश को इस पावर प्लांट की सारी बिजली सप्लाई की जा रही थी, और उसके पेमेंट भी बांग्लादेश अदानी पावर को कर रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि उनकी भी नौबत हाथ फैलाने की आ गई है, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों का पेमेंट बांग्लादेश ने अदानी पावर को नहीं किया है। देख लो इनकी भी क्या नौबत आ गई। तो इंडिया इतना हेल्प कर रहा था इसलिए इनकी गाड़ी चल रही थी, अब इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है उससे सारा सिस्टम इनका डामाडोल हो गया है। और देखो कितने एंटी इंडियन हुए। देखो अगर यही हमें न्यूज़ मिलती और ये हमारे दोस्त होते तो हमें दुख होता, जब वो बाढ़ की न्यूज़ आई तो दुख होता कि हाय इनोसेंट लोग हैं, गरीब लोग हैं। पर क्योंकि ये एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हो गए इनके यहाँ पर, प्लस रेडिकलाइजेशन हो गया है, इंडिया आउट मूवमेंट चल रहा है, चाइना के साथ हो रहे हैं, इंडिया की दोस्ती छोड़ के अपनी हिस्ट्री देख भूल गए हैं कि कितना इंडिया ने तुम्हारा साथ दिया था, वो सब भूल के ना शुक्रे बन के चाइना के पास चले गए हैं। तो अब बोलने का मन क्या करता है बोलने का कि जो तुमने किया उसको भुगतो, अब हमें क्या लेना, हम क्यों तुम्हारी मदद करें। और अगर तुम्हारे पास अब बिजली के पैसे नहीं है तो अपने घर में बैठो, हम तुम्हारी बिजली बंद करें, अंधेरे में बैठे रहो। देखिए अदानी जी को पहले ही गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं बिकती तो इंडिया में डाइवर्ट कर दीजिए, वो उनका पहले से ही डिसाइड हो चुका है। दूसरा बांग्लादेश जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका GDP पर कैपिटा आगे बढ़ रहा है, इंडिया से ज़्यादा हो चुका था, पाकिस्तान को बीट कर चुका था, GDP बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, समहाउ ये नहीं पता था कि अंदर जो है रेडिकली उनको जो है रिलीजन में डुबा रहे हैं, और उसकी वजह से देख लो क्या, और धीरे 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 जब मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल रिलीजन में डूब गए तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। वही तो ये होता है, और अब बस वही है डाउनफॉल का चलता जा रहा है, क्योंकि डूबे हुए हैं अपने रेडिकल रिलीजन में। इन्होंने कुछ नहीं सीखा पड़ोसियों से। हम लोग कह रहे थे कि देखो इतना ज्यादा हम बोलते थे बांग्लादेश को देख के कि देखो बांग्लादेश कितना अच्छा कर रहा है, बाकी देशों को सीखना चाहिए, हमें क्या पता उसके बाद क्रिकेट मैचेस और क्रिकेट मैचेस में उसमें इनकी असलियत देखी, और उसके बाद कि लोग जो है पूरे चेंज हो चुके हैं, और वहां से जैसे जैसे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं रिलीजन में, बहुत सारा रिलीजन 24 घंटे वही कर रहे हैं, दे आर गोइंग डाउन। नहीं और रिलीजन कर रहे हो, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं, पर दूसरों रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, उनको भी उतना ही करना, वो भी तो सीखो।
दूसरों से हेटरेड करके उनको तंग करना या उनको माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म करना, फिर तो तुम्हारा सत्यानाश तो होना ही होना है, लिखा ही है वो तो तुम्हारे लिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।